अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीदा किचन क्वीन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ में क्रिस्पी बोंबील फ्राई की रेसिपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे बनाना। बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये। तो सबसे पहले मैंने ये बोंबील को अच्छे से वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है पूरा अच्छे से। बहुत अच्छे से इसे वॉश करना है और एक अच्छे से कॉटन के कपड़े में इसे बांध के और इस पर कुछ वज़न रख के इसे एक दो घंटे के लिए छोड़ देना है। तो देखो मैंने ये साफ़ कपड़े में इसे पैक किया है और इसके ऊपर कुछ हम लोग वज़न रख देंगे और इसे दो तीन घंटे के बाद अच्छे से सूखने के बाद हम लोग इसे निकाल लेंगे और इस पे से हम लोग एक कट मार देंगे। बीच में से कट भी मार सकते हैं, अगर आपकी बोंबील थोड़े से मोटे हैं तो आप इसे से कट करके और इसे ऐसा चपटा कर दीजिए, और अगर छोटे छोटे बोंबील हैं तो आप डायरेक्ट फ्राई करें। तो देखो मैंने सब बोंबील को ऐसे कर दिए, बीच में से कट मार के इसे खोल दिया है। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, मसाला जो है वो हम लोग का अंदर से भी लगता है। इसमें एक नींबू का रस डाला है, एक नींबू का पूरा जूस डाला है। नींबू अच्छे से डालना है इसमें एक भरकर पूरा, और सॉल्ट ऐड कर देंगे हम लोग इसमें और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। तो इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम लोग ने जो ड्राई मसाले हैं थोड़े हम लोग वो डालने वाले हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो हम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किए हैं और थोड़ा हम लोग ने गरम मसाला ऐड किया है, दो टीस्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है। और जो भी आपके पास फ़िश का मसाला हो दो घंटे के लिए अच्छा मैरिनेट हो जाएगा ये। तो ये मैंने रैप कर दिया है इसे और फिर चलो अभी हम लोग इसे फ्राई करने के लिए जाते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम लोग इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैंने राइस फ्लावर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने सूजी लिया है। सॉल्ट लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर लिया है। तो ये हम लोग कोटिंग करेंगे बोंबील की इससे। तो ये अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे इसमें। इसे बहुत ही चावल का आटा जो है इससे बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन या तो मैदा भी डाल सकते हो। तो देखो ये जो मैंने मैरिनेट करके रखा है बोंबील, वो अभी हम लोग फ्रिज से निकाल के हम लोग इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। स्टार्टिंग में ही इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये फिश जो है वो टूट जाती है जब हम लोग फ्राई करते हैं तब। तो देखो इसी तरह से मैं सब बोंबील की कोटिंग कर लूँगी और एक फ्राई पैन में ऑयल डाल के मैं इसमें ये रख दूँगी। तो ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं हम लोग के। मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, ज़्यादा लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो आपके जो बोंबील है वो सॉगी हो जाएंगे। अच्छे से कलर आने देना है इसका, गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम लोग इसे निकाल देंगे। तो देखो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते जा रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सब बोंबील फ्राई कर दूँगी। तो देखो ये बहुत ही क्रिस्पी बोंबील बने हैं और टेस्ट में ही बहुत ही अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।